बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल फरूकी और आप देख रहे हैं ए न्यूज़। खानपुर से सलीम मुगल की रिपोर्ट से आपको आगाह करते चलें कि पाकिस्तान तरीक इंसाफ के एमपीए मियां शफी मोहम्मद ने डिप्टी कमिश्नर जमील अहमद जमील और चीफ एग्जीक्यूटिव हेल्थ अफीसर डॉक्टर सहावत रंधावा के हमरा 9 बेड पर मुश्तमिल इस यूनिट का इफ्तिताह किया। एमपीए मियां शफी मोहम्मद और दीगर ने इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खानपुर के अमराज कल्ब के मरीजों को शेख जायद अस्पताल रहीम यारहान ले जाना पड़ता था। अक्सर मरीजों की रास्ते में अमवात हो जाती थी। अब ये सहूलत मकामी अस्पताल में मैसर है, जिसका सिरा इंतजामिया के अलावा सिविल सोसाइटी के महिर हजरात के सर पर जाता है। जी थैंक यू वेरी मच। जी आज मुझे इंतहाई खुशी है कि खानपुर के शहरियों का एक दीना मुतालबा उनकी अपनी मदद आपके तहत और उनकी सपोर्ट के तहत आज अल्हम्दुलिल्लाह पाया तकमील को पहुँचा है। खानपुर में हेल्थ के हवाले से जो मेरी रिजर्वेशन रही हैं अभी भी थोड़ी बहुत हैं कि यहाँ पे हमारा रेफरल सिस्टम बहुत ज़्यादा था और कोशिश हमारी ये थी कि उसको हम सेग्रीगेट कर लें कि किस चीज़ का सबसे ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं। तो वो जिस तरह मियाँ सफर मार रहे थे कि हमारा जो गोल्डन आर था हार्ट अटैक हवाले से और कार्डियक के हवाले से, तो वो एक सीरियस मसाइल थे यहाँ की आवाम को। और आज ये स्टेट ऑफ द आर्ट आप देख रहे हैं कि आवाम की मदद से और लोगों के तआवुन से और उनके कोऑपरेशन से ये पाया तकमील को पहुँचा है। और मैं तमाम उन दोस्तों का शुक्रगुजार भी हूँ, उनको मुबारकबाद भी देता हूँ जिन्होंने अमली तौर पर इस पर तआवुन किया। स्टाफ इसका जो हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है उसको कर दिया गया और एक डॉक्टर साहब हमने अपॉइंट कर लिए, इंशाल्लाह विद इन डेज इसी हफ्ते के अंदर वो भी यहाँ पर पहुँच जाएंगे जो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं हमारे, और उनके साथ जितने अदर हमारा जो एलाइड स्टाफ है वो भी यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। काम जो है डीसी साहब ने मुझसे परसों वादा फरमाया है वो इंशाल्लाह ये करने जा रहे हैं कि आई हॉस्पिटल जो है उसको अपग्रेड करेंगे और वो इतने लेवल पे चला जाए कि खानपुर जो है वो आई हॉस्पिटल की वजह से मशहूर हो जाए। उसकी गवर्नमेंट से कोई 3.5 करोड़ पे फंड आ चुका है, बिल्डिंग तो उसमें से बन जाएगी लेकिन फिलेंथ्रोपिस्ट को कुछ लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं डीसी साहब अपने कनेक्शन से, और इंशाल्लाह ताला एक वक्त आएगा कि यहाँ कॉर्निया ट्रांसप्लांट होगा। और मेरी ये गुजारिश होगी डॉक्टर आगा तौहीद साहब से, हमारे सीईओ हेल्थ साहब से, डिप्टी कमिश्नर साहब से, एसी साहब से कि हम अगले फेज़ में यहाँ 50 बेड का नशे के जो आदि लोग हैं उनके लिए रिहेबिलेशन सेंटर बनाएं और नशे के जो आदि लोग हैं उनको यहाँ पर हम जमा करें और जो बेचने वाले हैं उनको पुलिस डील करें और उनको जेल भेजे ताकि हमारा मुआशरा नशे से पाक हो। सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो प्रेस दिस बेल आइकॉन सो यू कैन गेट लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस एंड दिस इज एब्सोल्युटली फ्री।